नमस्कार भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब अर्चना से मिलने जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे, तो देख रहे हैं मम्मी भी हमारी बैठी हैं, तो वासिका जी जी बैठे हैं। हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं कानपुर, क्योंकि वो आज कानपुर से बेंगलोर जाएंगी और बेंगलोर से भी सीधा हो सकता है साउथ अफ्रीका निकल जाए। तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं चल के। इधर देखो, इधर दिखा जाओ, इधर से जाना है। पहली बार छोड़ने आए थे। कौन है जरा हमको मिलो, एक ही कहाँ बैंगलोर जा रहे होंगे तो दोस्ती हो जाएगी। मिलेंगे अभी अंदर ही मिलेंगे, कहोगे हम भी बोल देंगे हम भी। भाई ऐसा दिखाया ना, जैसा कुछ देखा गया, मतलब आए अर्चना दीदी को भी देखा और मज़ा आ गया। एयरपोर्ट का आपको माहौल भी दिखाते हैं, ये एयरपोर्ट का माहौल है। आज लाइफ में पहली बार आए हम लोग एयरपोर्ट। हाँ मम्मी, हाँ लेकिन किसी दिन बैठेंगे यार, जहाँ भी बैठे पासपोर्ट बनवा लिया है पहले ही। तो भाई अर्चना तो चली गई है एयरपोर्ट पे और हम लोग भी चल रहे हैं अब ग्राउंड में। ये भाई साहब हमारे मैच भी देखेंगे, इनको ग्राउंड दिखाएंगे आज, इनके लिए भी बात करेंगे सर से आज। यार भाइयों फाइनली मतलब हम लोग घर आ गए हैं और यार आज पूरा दिन हो गया, मतलब यार अब पहुँचे हैं, मम्मी मम्मी से उतर रही हैं। यार थोड़ा सामान वामान निकाल लें फिर बातें करते हैं। एयरपोर्ट पर तो यार भाई मतलब बहुत लेट से यार आए हैं और यार अब टाइम भी नहीं बचा है, देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है और यार चारा वारा भी करना पड़ेगा। तो यार सुबह निकले थे वही 8-9 बजे और जाके अब आए हैं, क्योंकि यार वहाँ टाइम लग गया ना, फिर वहाँ यहाँ से गए, फिर अर्चना के साथ एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट के बाद फिर उनको बैठा के मतलब फिलहाल अंदर तो नहीं जाने दिया था, मतलब एयरपोर्ट के अंदर बाहर से ही मतलब वहीं से तक मतलब भेज के और फिर चले आए। लेकिन यार बस आप लोग इतनी दुआ कीजिए कि अब आएँ, मतलब सारे मैच जीत के आएँ और अपनी फतेह करके आएँ। तो भाई आशीर्वाद दीजिए ताकि अर्चना अपनी मंजिल हासिल करके आएँ और फिर आपको आएंगे, फिर दिखाएंगे और हो सकता है वहीं बेंगलोर से फिर साउथ अफ्रीका चली जाएँ। तो जैसा कुछ होगा आपको बताऊँगा, ठीक है भाई, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्योंकि यार अब चारा करेंगे, भैंसी भी भूखी हैं और हमें भी टाइम हो गया कपड़े चेंज करके। ठीक, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।